आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। ककरा घाट मां नर्मदा की पूजन अर्चन के साथ प्रारंभ की गई कांवड़ पदयात्रा में विधायक संजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में एक दूसरे लोगों से मिलजोल बढ़ाने, धार्मिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक वातावरण बनाने में कांवड़ यात्रा अहम है। क्षेत्र में सुख समृद्धि आए, भोलेनाथ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। विधायक शर्मा ने कहा कि पवित्र श्रावण मास में पूरे देश में सनातन संस्कृति के अनुरूप शिव की आराधना करे, मोहमाया का त्याग कर सद्मार्ग पर चले, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब स्वस्थ रहें। उन्होंने सिर्फ डमडमरू घाटी में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। इस मौके पर कहा कि जन भावनाओं से जुड़ाव रखते हुए उन्होंने भी इस भक्तिमय वातावरण में शामिल होकर खुशहाली की कामना करते हुए धार्मिक अनुष्ठान किया है। कांवड़ यात्रा में विधायक संजय शर्मा का क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और सभी श्रद्धालुओं को फलाहार और चाय पानी की व्यवस्था की गई। धन्यवाद देते हैं। वास्तव में जिसने सभी का बना रहे परमपिता परमात्मा भोले शंकर से प्रार्थना करते हैं, नरंदा हमें शक्ति प्रदान करें कि आपका जो स्नेह हमेशा मिलता है, ये मिलता रहे और हमें भी मुझे भगवान देता रहे, उपलब्ध रहे, हमेशा आपकी सेवा करते रहे, आपको किसी प्रकार की कमी आपके सम्मान में ना आ पाए इसका हम प्रयास करते हैं, आपकी मनोकामना पूरी हो। एक आवाज यात्रा का उद्देश्य केवल हमारे क्षेत्र में आपकी सामंजस्य, लोगों का भाईचारा, सुख समृद्धि बनी रहे, समाज के हर वर्ग के लोग अच्छी दिशा में काम करें, इससे एक दूसरे का सहयोग करते हुए क्षेत्र का विकास हो, यही कामना इस पर है। आप सबने वास्तव में स्वागत किया, हृदय से आपकी खुशी कृतज्ञता ज्ञापन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।